दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है पेट में गैस बनने की वजह, इन चीज़ों से को बिल्कुल न खाएं। उटांग पटांग खाने या देर तक जागने की वजह से भी पेट में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी इस परेशानी के बढ़ने के कुछ खास कारण हैं। आजकल फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से हर दूसरा तीसरा इंसान पेट की समस्या से परेशान रहता है। उटपटांग खाने या देर तक जागने की वजह से भी पेट में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी इस परेशानी के बढ़ने के कुछ खास कारण हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप परहेज़ करें, नहीं तो गैस की समस्या और बढ़ सकती है। किन चीज़ों को खाने से ये प्रॉब्लम बार बार होती है, क्यों होती है गैस की प्रॉब्लम्स? हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार जब आंतों में डाइजेशन ठीक रखने वाले एंजाइम की सिक्रीशन कम होता है तो गैस की समस्या होने लगती है। ये प्रॉब्लम लगातार इंडाइजेशन होने पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा स्पाइसी फूड खाने या मैदे से बनी चीज़ें जैसे समोसा कचौड़ी इत्यादि से ज़्यादा बनती है। जल्दबाजी में ना खाएं खाना आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार जल्दबाजी में खाना खाने से एसिड का लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से बार बार गैस बढ़ता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में खाना ना खाएं, नहीं तो गैस की समस्या आपको परेशान करती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बूढ़ों को भी कहते सुना होगा कि आराम से खाना खाओ, ज़्यादा जल्दी मत दिखाओ। अनियमित लाइफस्टाइल भी है वजह। गैस बनने की समस्या की एक बड़ी वजह है लाइफस्टाइल। रात में देर तक जागना और सुबह देर तक सोने की वजह से भी लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार रात को समय से सोना चाहिए और सुबह जल्दी जगना चाहिए, इससे गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ज़्यादा गुस्सा भी है कारण। ज़्यादा गुस्से या स्ट्रेस में रहने की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम का सक्रिएशन कम होता है, इसकी वजह से गैस की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ऑफिस या घर के कामों की वजह से ज़्यादा गुस्सा या स्ट्रेस ना लें, नहीं तो आपकी एक और नई परेशानी बढ़ जाएगी। लगातार बैठने से या फिर यूं कहें कि सिटिंग वर्क करने से खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, इससे गैस की परेशानी हो जाती है। अगर आप ऑफिस या दुकान में काम करते हैं तो फिर लगातार बैठे ना रहें, बीच बीच में उठकर घूमते टहलते रहें ताकि आपके शरीर का हर हिस्सा काम करता रहे, नहीं तो गैस की परेशानी होना लाजिमी है। आलू खाने से करें परहेज़। आपको बता दें कि आलू में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आलू खाने से गैस की समस्या होती है। इसलिए अगर आप गैस की समस्या से बचना चाहते हैं तो आलू खाने से परहेज़ करें या कम खाएँ, क्योंकि इसे खाएंगे तो फिर गैस की समस्या से बच नहीं सकते हैं। गैस की समस्या वाले लोग दूध नज़रअंदाज करें। वैसे तो हर इंसान को रोज़ाना दूध पीना चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है जो शरीर को ताकतवर बनाता है, लेकिन अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं तो दूध को कुछ समय के लिए ना कह दें, क्योंकि इसमें मौजूद लैक्टोज के डाइजेस्ट होने में समय लगता है जिसकी वजह से गैस की परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। फूलगोभी और पत्ता गोभी में रेफिनोज का मात्रा ज़्यादा होती है, इसे खाने से पेट में गैस ज़्यादा बनती है। अगर आप भी सब्ज़ी में फूलगोभी और पत्ता गोभी खाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसे बंद कर दें, इसकी जगह पर दूसरी सब्ज़ी पर विचार करें, क्योंकि अगर इसे आप खाते रहेंगे तो ये परेशान करता रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।